इमरान खान साहब ने आपको बुलाया है कल, इस खबर की तस्दीक या तर्दीद कीजिएगा, और क्या आप मिलने भी जा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम तो बहुत चले गए, अब तो हम इंतजार करेंगे कौन हमसे मिले। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जिसको मिलना है हमारे पास आ जाए। लगता है हुकूमत को याद ही नहीं कि उसके कुछ इत्तेहादी भी हैं। एमक्यूएम के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, समा के प्रोग्राम आवाज में कहा, हुकूमत गिराने का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी काबीना से अलहदगी का फैसला किसी के कहने पर किया नहीं, बिलावल की ऑफर से इसका कोई ताल्लुक है। फैसल सब्जवारी ने इलेक्शन 2018 के नतज पर फिर सवाल उठा दिए, कहा तहरीक इंसाफ कराची से नहीं जीती। बात में इमरान खान साहब के सामने कह चुका हूं मुख्तलिफ नशस्तों का हवाला देकर कि हम ये कायल हैं इस बात के ऊपर, हम समझते हैं कि जनाब वहां से पीटीआई नहीं जीती है। कराची के 21 हलकों में से कम अज कम निस हलके ऐसे हैं कि जहां के जीतने वाले कोई और हैं और जहां से वोट जिनके ज्यादा एक्चुअल पड़े वो कोई और है। नाराज इत्तेहादी को मनाने की पहली कोशिश नाकाम। असद उमर की सरबराही में हुकूमती वफ्द की भादराबाद मरकज में एमक्यूएम पाकिस्तान की क्यादत से मुलाकात, ब्रेक थ्रू ना हो सका। खालिद मकबूल ने साफ कह दिया, ये मुज़ाकरात नहीं मुलाकात थी, अब नतीजा चाहिए, हमें अपने वादे याद हैं। असद उमर बोले, एमक्यूएम के मुतालबात दुरुस्त हैं, मामलात अलग होने से नहीं मिल बैठ कर बातचीत के जरिए हल होंगे। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में बड़ा रिलीफ, लाहौर हाईकोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने खसूसी अदालत की तश्कील और ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया। मुत्तफिका फैसले के मुताबिक खसूसी अदालत के लिए काबीना की मंजूरी नहीं ली गई। आर्टिकल 6 में तरमीम का इतलाफ माजी से नहीं हो सकता, एमरजेंसी में बुनियादी हकूक मुअत्तल किए जा सकते हैं। क्रिमिनल लॉ के तहत मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल भी गैर कानूनी है। पाकिस्तान में जान का खतरा और लंदन में सैर सपाटे, तिब्बी बुनियादों पर लंदन जाने वाले नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ बेटों और समदी इसाक डार के हमरा लंदन के होटल में चाय की दावत, तस्वीर वायरल हो गई। वजीर आजम इमरान खान का नोटिस, वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के जाती मौलिज से ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। हुसैन नवाज ने आउटिंग को इलाज का हिस्सा करार दे दिया। थोड़ी सी जैसे कहते हैं हवाखोरी के लिए बाहर लेके गए मियाँ साहब को, जिसके बाद वापस ले आए शाम 5 बजे के करीब का, जाना ये वाकया है, उनको जाना हवाखोरी के लिए लेके गए बाहर और फिर वापस ले आए उनको। अब आप ये जानना चाहते हैं कि प्लेटलेट्स की कैफियत इस वक्त क्या है। हम जो उनके लिए दुआगो हैं, हम भी फिक्रमंद हैं कि मियाँ साहब की सेहत के उतार चढ़ाव में क्या बेहतरी आई है। कौम को नवाज शरीफ की सेहत की फिक्र है और वो सैर सपाटे कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान का तंज, फवाद चौधरी ने भी तस्वीर ट्वीट पर शेयर कर दी, लिखा लंदन के अस्पताल के आईसीयू में खाओ पियो बीमारी का इलाज इन्हमाक से जारी है। वफाकी हुकूमत का मरियम नवाज का नाम एक बार फिर ईसीएल पर डालने का फैसला, काबीना की जेली कमेटी ने मंजूरी दे दी। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में नाम ईसीएल पर डालने की सिफारिश की थी।